को सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करते वक्त देखेंगे, जैसे यहाँ आप ध्यान दें कि यहाँ कांस्टेंट साथ में था तो कांस्टेंट हमने बाहर ले लिया डेरिवेटिव, तो यहाँ भी फर्स्ट में कोई कांस्टेंट नहीं है, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स प्लस, दरमियान में देखो प्लस है, तो जैसे मैंने बताया कि जहाँ प्लस होगा वहाँ प्लस, जहाँ माइनस होगा वहाँ माइनस, तो दो तीन एक फॉर्मूले का इस्तेमाल इसके अंदर आप देख सकते हैं। जैसे प्लस आ गया तो प्लस, और एक बात कि यहाँ कांस्टेंट कितना है, तीन है, तो तीन कांस्टेंट बाहर, जैसे यहाँ पे फाइव बाहर चला गया था, डेरिवेटिव से बाहर चला गया था फाइव, तो तीन बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर देखिए प्लस के बाद कौन सा है, माइनस, तो माइनस ले लिया। उसके बाद फिर यहाँ देखें कि एक्स के साथ कौन सा फिगर है कांस्टेंट, तो फाइव है, तो फाइव को बाहर रख दें डेरिवेटिव से, फाइव बाहर एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स। और एक खास बात कि डेरिवेटिव जब नेक्स्ट हम लास्ट का लेने जा रहे हैं टू का, तो यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, अकेला सेपरेट एक जो है कांस्टेंट है, और वो डेरिवेटिव से बाहर नहीं आ सकता, डेरिवेटिव के साथ ही रहेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ टू, इसका रिजल्ट हम ऊपर की तरफ देखें, यहाँ लाए इसको, तो यहाँ से आप कवर करें, डेट इज डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ से इन वाला फॉर्मूला लगाते हैं, अगर इन कितना है यहाँ पर पावर में थ्री है, तो थ्री बाहर, और एक्स पे एक पावर कम हो जाएगा, तो थ्री में एक पावर कम हो गया तो क्या मिलेगा टू। ध्यान दें थ्री यहाँ पावर है, कांस्टेंट कितना है, एन कितना है तीन, तो उसमें से एक पावर कम होकर क्या मिला टू, और ये एन बाहर आ चुका है एन वाले फॉर्मूले से प्लस थ्री। फिर यहाँ भी देखें तो यहाँ पर अपने पास एन कितना है टू, ये टू वापस बाहर आएगा किसके पास में, तीन के पास में, थ्री इंटू टू, और उसी में एक्स के ऊपर क्या हो जाएगा पावर एक कम, तो टू माइनस वन, देखिए मैं लिख रहा हूँ टू माइनस वन, यानी रिजल्ट क्या आएगा वन, यानी सिर्फ वन, तो टू माइनस वन मतलब वन, तो वन भी लिखा नहीं जाता, सिर्फ सिंगल एक्स से काम चल जाएगा, तो थ्री एक्स, थ्री इंटू टू एक्स माइनस फाइव, एक्स का डेरिवेटिव मैंने बताया वन होता है, तो वन इंटू आ गया, और प्लस कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो, इसलिए आप देखें तो डी वाई बाई डी एक्स इस तरह से डेरिवेटिव वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कितना आएगा रिजल्ट, थ्री ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू जो सिक्स एक्स माइनस फाइव, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपका प्लस माइनस का रिजल्ट आपको समझ में आएगा किस तरह से अप्लाई होगा प्लस माइनस में, और पावर वाला फंक्शन, और कांस्टेंट अगर साथ में है तो कैसे बाहर जाता, फिर अकेला कांस्टेंट है तो किस तरह से अंदर रुक जाएगा और रिजल्ट जीरो बना देगा, उस तरह से आपको ये बात समझ में। अब इसके बाद थोड़ा सा हम देखें मल्टीप्लाइकेशन का, तो मल्टीप्लाइकेशन के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा है, जैसे वाई आपको बस लिखा रहेगा, देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा किताब के अंदर लिखा रहेगा, देखिए मैं क्वेश्चन फॉर्मेट बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, ऐसा लिखा रहेगा। अब जैसे डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, तो लिखा हुआ आपके पास इस तरह से कि एक सवाल लेते हैं, टू रे ई रेस टू एक्स प्लस टू रेस टू एक्स माइनस लॉग एक्स, इस तरह से दिया मैंने, लिख दिया मैंने एक सवाल इस तरह से, ऐसा आपके पास दिया हुआ। तो ये सवाल है, जैसे यहाँ पर ये सवाल था तो मैंने y के साथ लिखा था, किताब में ज़रूरी नहीं है पकड़ लिया उसको, तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आपको y दिया, तो यहाँ पर सॉल्यूशन, तो जैसे यहाँ पर y देखें इस सवाल में, इस एग्जांपल में, एग्जांपल नंबर वन में मैंने y के साथ लिखा, यहाँ y नहीं है, तो हम सॉल्यूशन देते वक्त इसका इस तरह से सोचें या इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्टार्टिंग कि लेट अपनी तरफ से फर्ज कर लें कि y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स प्लस टू रेस टू एक्स और माइनस ऑफ लॉग एक्स, देखिए मैंने फर्क देखिए यहाँ पर कोई वाई नहीं, हमने अपने तरफ से जवाब में वाई लिया, अब इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इसको यहाँ देखें तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब फिर भाई सेपरेट करना है, प्लस माइनस सब अलग अलग रखना है, तो पहले किसका डेरिवेटिव आएगा ई रेस टू एक्स का, फिर आएगा माइनस, सॉरी प्लस है, तो डेरिवेटिव ऑफ टू रेस टू एक्स
और उसके बाद माइनस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। मैंने ये एग्जांपल इसलिए लिया, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन इसमें एक्सपोनेंशियल दोनों बताना चाहता हूँ मैं, जैसे ये दोनों फॉर्मूले का यूज, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान दें कि ई रेस टू एक्स का जवाब ई रेस टू एक्स ही होगा, डेरिवेटिव टू रेस टू एक्स, एग्जाम एग्जाम्पल सामने रिजल्ट लिखा होगा आपके, टू रेस टू एक्स लॉग ऑफ टू और माइनस डेरिवेटिव लॉग एक्स, एग्जाम्पल के फॉर्मूले की लिस्ट में देखेंगे तो वन अपॉन एक्स, बस ये हो गया। खैर मेरा मकसद ये सवाल बताना नहीं था, सिर्फ एक्सपोनेंशियल के बारे में थोड़ा सा आपको दे देती थी गाइडलाइन, ये दे दिया। अब एक जो एग्जांपल मैं चाह रहा था लेना, तो इनटू के मामले में मल्टीप्लाइकेशन का फंक्शन होगा, उसको कैसे कवर करना, जैसे तीसरा एग्जाम्पल जैसे वाई इज इक्वल टू, या ऐसे लिखा जैसे यहाँ लिख दिया मैंने डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग, सवाल नंबर दो, अब तीन में ऐसा लिखा हो कि साइन एक्स, और पहले ये लिखें टू एक्स प्लस थ्री इंटू साइन एक्स। देखिए थोड़ा सा मैंने इसको डिफिकल्ट किया है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना, टू एक्स प्लस थ्री इंटू साइन एक्स। अब इसको पहली फुर्सत में हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन लेते वक्त, सॉल्यूशन देते वक्त इसको पहले नाम दे दें, जैसे लेट वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री इंटू साइन एक्स। अब आप इंटू, मेन फोकस अपना कहाँ आएगा, डेरिवेटिव इंटू, तो यहाँ पर जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आप देखें u इंटू v का जब मामला था तो एक पहला यानी ये जो सिस्टम है इसको हमको u नाम देना पड़ेगा, इसको v नाम देना पड़ेगा, इसको नाम हम क्या दे देंगे, u। थोड़ा वीडियो में इसको फोकस करें कि देखें इसको, इसका नाम u देंगे और इसको नाम हम v दे रहे हैं, v, ताकि आपको समझ में आए कि u किसको ले रहा है और v किसको ले रहा है। ठीक है, अब डायरेक्ट du by dy by dx यानी डेरिवेटिव ऑफ u, जैसे मैंने बताया था कि एक बाहर रखना है तो दूसरे का डेरिवेटिव लेना, चलिए हमने पहले 2x प्लस, आप इसमें फ्री हैं, आप आज़ाद हैं, आप किसी को भी पहले ले सकते हैं, किसी को भी बाद में रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि रिजल्ट प्लस में आता है, इनटू में जिसका रिजल्ट ऑलवेज बीच में प्लस होता है, इसलिए आगे पीछे होने से कोई फर्क नहीं पकड़ा जाता। तो आप यहाँ देखें, आप जिसको चाहे ले सकते, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2x प्लस 3 बाहर रख दिया, तो अब आपको डेरिवेटिव किसका लेना है, आप बताएं तो डेरिवेटिव किसका आएगा, ये तो बाहर चला गया तो ये आएगा डेरिवेटिव के अंदर, डेरिवेटिव ऑफ कौन आएगा भाई, साइन एक्स डी एक्स प्लस, अब ये चला जाएगा, अब नंबर किसका बाहर आएगा, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव हो रहा है यहाँ, ये अंदर है तो ये अब बाहर जाएगा और 2x प्लस 3 अंदर आएगा, तो यहाँ से साइन एक्स बाहर और फिर डेरिवेटिव किसका साहब, 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव, ये है यू टू वी का सिस्टम। फिर से ध्यान दें, जैसे आप देखें सवाल में सिर्फ लिखा था 2x प्लस 3 इंटू साइन एक्स, मैंने यहाँ पहले लिख दिया डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, उसमें मैंने प्लस माइनस वाला लिया था, अब इंटू वाला लिया, तो इंटू वाला पहले मैंने क्या बताया, एक नाम देंगे, इसका नाम मैंने यहाँ पर दिया वाई, अब डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पर डी लगा के दोनों को डी बताने की जरूरत नहीं है, चलिए हम डायरेक्ट यू इंटू वी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो एक बाहर दूसरे का डेरिवेटिव, यू इंटू वी के रिजल्ट में एक बाहर, जैसे 2x प्लस 3 बाहर रखा तो किसका डेरिवेटिव लिया गया, साइन एक्स का, बीच में मैंने बताया प्लस का साइन होगा, उसके बाद फिर वापस से, अब ये देखिए बाहर चला गया साइन एक्स, अब फिर डेरिवेटिव ऑफ 2x, अब ये बहुत सिंपल, ये तो बाहर ही रहेगा और साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉस एक्स, आपको रिजल्ट के जो शीट है, रिजल्ट का फॉर्मूले की जो लिस्ट है उसके अंदर देखिए कॉस एक्स प्लस, और ये हो गया ये है साइन एक्स, और 2x प्लस 3 फिर इसके जैसा, जैसे यहाँ पर काम किया था हमने दो नंबर में और एक नंबर सवाल में, तो इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा बेहतर समझाना, यानी एक सेपरेट काम हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रैकेट किसके लिए, इस एक्सप्रेशन के लिए, ध्यान दीजिए जरा कि 2x प्लस 3 एक रिजल्ट है और उसको हमने ब्रैकेट के अंदर बंद किया है, यानी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो काम किसका होगा, यू प्लस वी का, यानी यू प्लस यानी इसका अलग डेरिवेटिव और तीन का अलग डेरिवेटिव, 2x का अलग डेरिवेटिव, 3 का अलग डेरिवेटिव, उसके बाद बीच में प्लस, तो 2x का डेरिवेटिव लेते वक्त किसको बाहर रखेंगे, जैसे यहाँ देखेंगे आप, इससे पहले वाला एक सवाल था, जैसे यहाँ देखें कि 5 इंटू डी एक्स, अगर यहाँ दिखता हो ना आपको तो देखेंगे 5 साथ में था तो 5 बाहर निकाल दिया गया था, उस तरह यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा और डेरिवेटिव ऑफ x हो जाएगा ये, और चूंकि प्लस है इसलिए यही प्लस यहाँ कंटिन्यू हुआ और फिर वापस से, चूंकि अकेला कॉन्स्टेंट है ये डेरिवेटिव बाहर नहीं जाएगा, ये डेरिवेटिव के साथ ही रहेगा,
और डेरिवेटिव ऑफ थ्री और इस तरह से डी एक्स। तो इस तरह से आप देखें इसका रिजल्ट आएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू छोटे कॉस यानी ब्रैकेट छोटा स्मॉल ब्रैकेट यूज करें टू एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है वन और कॉन्स्टेंट अकेला डेरिवेटिव मिल गया जीरो तो टू इंटू वन डेट इज टू टू प्लस जीरो यानी सिर्फ टू। तो यहाँ पर आएगा टू एक्स प्लस थ्री हाफ कॉस एक्स प्लस इसमें का इस टोटल ब्रैकेट का रिजल्ट फाइनली टू और ये साइन एक्स। ये टू कहाँ से आया तो ये टोटल ब्रैकेट का रिजल्ट कितना आया टू वो आगे लिखा गया इंटू साइन एक्स और इस तरह से ये आपका यू इंटू वी का मामला। देखिए बार बार मैं बता रहा हूँ कि आपको जो फॉर्मूले की लिस्ट दी गई है उसको याद करें और ये बेसिक जो फॉर्म जो प्रॉब्लम्स है उसको आपको सॉल्व करने हैं और कुछ होमवर्क दूंगा उसको आपको कर लेना है प्रैक्टिस। और ये आज का टेक्निकल प्रॉब्लम है मेरे साथ आज फर्स्ट टाइम मैं घर से बैठ के लोड कर रहा हूँ उसको तो जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएंगे तो उसको मैं दूर करूँगा। तो आज जो है तीन वीडियो आपको पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके आएगा उन तीनों को आप देखें मिला करके तो आपका आज का लेक्चर कम्प्लीट हो जाएगा। ठीक है एक सवाल लास्ट में लेता हूँ उसके बाद होमवर्क देता हूँ। तो एक यू इंटू वी का तो हो गया अब एक यू बाई वी पे हम लेते हैं या एक काम करता हूँ यू बाई वी का कल के लिए छोड़ देता हूँ आज के लिए सिर्फ प्रॉब्लम होमवर्क देता हूँ थोड़ा आप इसको प्रैक्टिस कर लो। मैं वाई के साथ देता हूँ फाइंड डी वाई बाई डी एक्स उसमें पहला सवाल वाई इज इक्वल टू सर मुझे इनटू पे थोड़ा देना है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन फिलहाल ये पांच क्वेश्चन आपको दिया मैंने पांचों क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कीजिए और रिजल्ट बताइए कि कल कहाँ तक ये सॉल्व होता है और किस तरह से। इसमें कोई परेशानी हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं अगर लोग वगैरह का प्रॉब्लम चल रहा है तो ठीक है अभी एक सवाल दिया मैंने ये थोड़ा सा आपको थोड़ा एहतियात से काम करना बस और कुछ नहीं और इसके बाद इंशाल्लाह कल जो है आपको मैं फिर देता हूँ यू बाई वी के लिए। तो आज ये उम्मीद के साथ मैं दे रहा हूँ कि आप इसको अभी एक रजिस्टर में आप सिर्फ लिखें रिजल्ट को याद करें और इस प्रॉब्लम को पहले एक बार छुड़ाएं खुद से सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होगा आपको लिखना पड़ेगा लिखने के बाद साथ में एक बार छुड़ाइए एक बार डबल से प्रैक्टिस कीजिए ये तीन चार एग्जांपल को और तब ये पांच एग्जांपल जो दिया मैंने उसको आप सॉल्व कीजिए। और अगर कोई क्यूरीज है कुछ परेशानी है अगर आवाज़ में साउंड प्रॉब्लम लाइट प्रॉब्लम हो सकती है टेक्निकल प्रॉब्लम तो चल ही रही है हमारी और मैं देख रहा हूँ करता हूँ और कल क्योंकि दुरुस्त करता हूँ और कुछ परेशानी है तो आपके पास नंबर है फिर भी एक बार अपना नंबर देता हूँ यहाँ पर आप मोबाइल नंबर लिख लें सब बच्चों के पास है
कॉन्टैक्ट करें, मुझे बताएं क्या परेशानी है, आपको फिर से बता दें, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके आएंगे, मैं लिंक नंबर दे दूंगा, आप सैप से कॉन्टैक्ट कर लें, लड़का है कॉलेज के, सबसे कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप से लिंक नंबर ले लें और स्क्रीन पर जाके तीन वीडियो है, पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री करके डिफ्रेंशिएशन का नाम से मेरे होगा, इकबाल नासिर सर के नाम से, आप उसको देख लेंगे, ठीक है, चलिए इंशाल्लाह करूँगा आपको।